कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मोहाली बिल्डर्स में आज हम बात करेंगे 150 गज की लग्जरियस कोठी दोस्तों टू साइड ओपन सनी इंक्लेव 125 सेक्टर प्राइम लोकेशन के अंदर दोस्तों फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कोठी बनी है दोस्तों अगर आप वो सामने ऊपर रूम की भी बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं जो लाइटिंग लगी है वो बहुत ही अच्छा लुक दे रही है दोस्तों इस रूम की बात कर रहा हूं आप देख सकते हैं फ़्रंट एलिवेशन कितना शानदार दिया हुआ है दोस्तों अभी हम अंदर चलेंगे उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि इस कोठी के आस आप ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं कोठी में डेढ़ सौ स्क्वेयर यार्ड की कोठी है देख सकते हैं साइड पे सब कोठियाँ बनी हुई हैं प्रॉपर रिहायश है, है यहाँ पे दोस्तों ये लाइट्स आप देख सकते हैं लाइट्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं एंट्रेंस पे ग्रे कलर का गेट है यहाँ आपकी एक गाड़ी पार्क हो सकती है दोस्तों ये रैंप आ गया उसके बाद अगर अंदर की बात करें तो यहाँ आपकी एक बड़ी गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है ये आप देख सकते हैं ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे आपके टू व्हीलर्स आ सकते हैं ये सामने आप देख रहे हैं ये वाटर स्टोरेज टैंक बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पे बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी लग जाएगी स्टेयर्स के नीचे आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर रखने का ऑप्शन है ये देखिए बहुत शानदार डिजाइन बना रखा है स्टेनलेस स्टील की ग्रिलिंग लगी हुई है प्रॉपर टाइलिंग है बहुत ही शानदार कोठी बनी है दोस्तों अभी आपको बाहर की लुक से ही पता चल गया होगा कि ये कोठी कैसी है ये देख सकते हैं ये स्टेयर्स हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं अभी ग्रिलिंग यहां लगनी है टाइल्स लगी हुई हैं ये डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ आप शो पीस रख सकते हैं एट फीट के स्टैंडर्ड डोर्स हैं दोस्तों ये देखिए ये डबल जाली का दरवाजा है टाइल्स हैं ये देखिए डबल मोल्डिंग में ग्रेनाइट लगा हुआ है अंदर चलते हैं अब आप देख सकते हैं ये देखिए ये ड्राइंग रूम के अंदर आपका एलईडी पैनल आ गया वुडन फिनिश के अंदर पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा शानदार वुडन फिनिश दिया है फॉल सीलिंग आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे जैसे एक घर में हट बना रखा हो उस तरह से आप ये देखिए एमडीएफ का बोर्ड लगा के बहुत ही अच्छा पार्टीशन दिया यह आपकी मेन एंट्रेंस है एंट्रेंस के साथ ही आपका पार्टीशन आ गया सताईस फुट चौड़ा मत्था है इस कोठी का इसलिए इसकी लुक और रूम साइज़ बहुत खुले हैं दोस्तों यहाँ आपका एल शेप का सोफ़ा आ जाएगा ये फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं जो बहुत ही शानदार बनी है लाइट्स देख सकते हैं ऐसी कोठियाँ बहुत कम मिलती हैं और बहुत जल्दी बिक जाती हैं तो कोई भी मेरा दोस्त इस कोठी को लेना चाहे तो वो मुझे जल्दी से जल्दी संपर्क करे इससे पहले ये चीज़ उनके हाथ से निकल जाए ये आप कूलर पड़ा देख रहे हैं यहाँ पे आपका सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल आ जाएगा दोस्तों एलईडी पैनल देखिए आप बहुत शानदार लुक दे रहा है वुडन फिनिश के अंदर है पीछे दीवार पे भी वुडन फिनिश है अब हम किचन की अगर हम बात करें तो ये देखिए किचन के बाहर भी पार्टीशन दिया हुआ है के अंदर लाइट क्रीम एंड ग्रे का शेड दिया हुआ है पीछे बहुत अच्छी टाइलिंग हुई हुई है दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मॉड्युलर किचन बनी हुई है ये आप देख सकते हैंक्स लगे हुए हैं इसके अंदर दोस्तों ये देखिए यहां आपकी चिमनी आ जाएगी अभी मैं ये बॉक्स खोल के दिखाता हूं आपको आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मॉडुलर किचन है सॉफ्ट पुश के अंदर ये गैस का पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों वो चिमनी का डक छोड़ा हुआ है जी यहाँ पे गीजर का पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों ये गार्ड के लिए भी जगह छोड़ी हुई है यहाँ आपका बड़े से बड़ा फ्रीजर आ जाता है दोस्तों आप रूम्स देख सकते हैं ये फर्स्ट बेडरूम आ गया काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है दोस्तों फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हुई है ये देखिए ये थ्री डी लगा है इसके अंदर दोस्तों जो बहुत ही अच्छा लुक देता है वाशरूम की हम बात करें तो काफ़ी स्पेशियस वाशरूम्स हैं वॉल टू वॉल वार्ट टाइल्स लगी हुई हैं वाशरूम में भी फॉल सीलिंग हुई हुई है दोस्तों सैनिटरी फिटिंग्स अभी लगनी है जब ये कोठी हैंड ओवर होगी तब आपको हम लगा के देंगे ये आप देख सकते हैं वॉल टू वॉल वार्ट कैबिनेट्स बनी हुई हैं वॉड्रोब्स हैं स्लाइडिंग कब्बस बनी हुई हैं ड्रेसिंग एरिया बना हुआ है एलईडी पैनल आप देख सकते हैं उसके बाद भी इस रूम में बहुत स्पेस बचती है दोस्तों क्योंकि सताइस फुट का मत्था है काफ़ी चौड़ा मत्था है इसको ठीक है बड़ी से बड़ी एलईडी आ जाएगी आपकी यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड्स आ गई टाइल्स आप देख सकते हैं पूरा मैचिंग के अंदर बेडरूम बनाया है एलईडी पैनल एलईडी लगी हैं जो फॉल सीलिंग में ये आप ड्रेसिंग की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग एरिया आ गया यहाँ पे आपका बॉक्सेस दिए हुए हैं सामान रखने के लिए बाहर मिरर लगा हुआ है दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में तो ये आगे आपका सेकेंड बेडरूम ये आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है दोस्तों इस कोठी में ये देखिए आप डोर्स देखेंगे एलईडी पैनल देखें वॉलपेपर देखें वॉशरूम में देखें तो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया है वुडन फिनिश के अंदर ऊपर तक जो वॉशरूम को भी एक असम awesome लुक देता है दोस्तों फॉल सीलिंग लगी हुई है वॉशरूम के अंदर भी ये आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है ग्लॉसी टाइल्स लगी हैं चार बाय दो की ये स्लाइडिंग कबर्ड्स यहाँ पे बनी हुई हैं दोस्तों वॉल टू वॉल जैसा हमने पहले रूम में देखा है फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं वॉल का डिजाइन आप देख सकते हैं ये हैवी डोर्स लगे हुए हैं एट फीट स्टैंडर्ड डोर्स हैं और हैवी डोर्स हैं दोस्तों जिसका डिजाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है अब हम पीछे चलते हैं कोर्टयार्ड में ये आप देख सकते हैं ये पीछे का कोर्टयार्ड आ गया आपका ये टू साइड ओपन कोठी है दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया पीछे देखा के दिखाता हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गार्डन जोन एरिया आ गया दोस्तों यहाँ पे आपका बहुत ही शानदार गार्डन बन जाएगा टू साइड ओपन कोठी है इसीलिए इसका ये पीछे से भी आप लुक देख सकते हैं कोठी का जो बहुत ही अच्छा लुक है फोर बेडरूम फोर वॉशरूम ये कोठी है दोस्तों एक करोड़ दस लाख रुपए की इसकी आस्किंग है बाकी मौके पे नेगोशिएबल है कोई भी दोस्त इसको लेना चाहता है वो जल्द से जल्द मुझे संपर्क करें मेरा नंबर है एट फाइव फाइव थ्री सेवन सेवन जीरो सेवन सेवन जीरो इससे पहले ये कोठी आपके हाथ से निकल जाए दोस्तों जल्दी से जल्दी मुझे संपर्क करें ये आपका वॉश एरिया आ गया दोस्तों अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे उससे पहले आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा ये आप देख सकते हैं ये आपका ड्राॅइंग रूम आ गया ये एंट्रेंस आ गई ये किचन आ गई आपकी दोस्तों ये फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम आ गया दोस्तों फॉल सीलिंग ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया दोस्तों उसके साथ वॉशरूम आ गया अटैच वो पीछे जाने का रास्ता है courtyard. ये आपका एलईडी पैनल आ गया दोस्तों ये आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम फॉल सीलिंग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इस, इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप सब्सक्राइब करें दोस्तों अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार एमडीएफ की जाली लगी हुई है दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं टाइलिंग का काम हुआ हुआ है जो बहुत ही शानदार लुक दे रहा है कोठी को दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये टाइल्स लगी हुई हैं बैल्कनी के अंदर यहाँ पे अभी आयरन की ग्रिल लगेगी और यहाँ पे ग्लास लगेगा अभी टफन ये नीचे का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों काफी स्पेशियस है नीचे भी ये सारी आयरन ग्रिल्स लगी हुई हैं वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं वुडन फिनिश के अंदर बहुत ही शानदार लुक दे रहा है दोस्तों एट फीट के स्टैंडर्ड डोर्स हैं फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग हुई हुई है टाइलिंग हुई हुई है ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये टेक्स्चर टाइल्स हैं जो बहुत ही शानदार लुक दे रही हैं ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर टॉप फ्लो सेकेंड फ्लोर को कनेक्ट करती हैं यहाँ पे आप अपना रूम बना सकते हैं या फ्लोर बना सकते हैं तो बाहर से सीढ़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है अब हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम जैसे नीचे फॉल सीलिंग थी यहाँ पे भी बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग हो रखी है दोस्तों आयरन की ग्रिल्स लगी हुई हैं सताइस फुट का इसका मत्था है इसलिए ये बहुत ही स्पेशियस कोठी है दोस्तों ये आप देख सकते हैं एल ई आप देख सकते हैं वुडन फिनिश है जैसे नीचे वुडन फिनिश में था वैसे ही यहाँ पे भी है बड़े से बड़ी एल लग जाती है ये आप देख सकते हैं वॉल पर बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे आपका एल शेप का या यू शेप का सोफा आ जाएगा दोस्तों जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे अब हम किचन की बात करें तो सेम जैसे नीचे किचन का कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों मॉडुलर किचन बनी हुई है लाइट पिंक के अंदर ग्रे कलर का शेड है एम की जाली लगी हुई है पार्टीशन दिया हुआ है या आप डोर्स देख सकते हैं रूम के डोर से ही क्वालिटी का पता चल जाता है कि क्या क्वालिटी लगी हुई है दोस्तों बहुत ही हैवी डोर्स हैं और बहुत ही शानदार डिज़ाइन बना रखा है डोर का दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड रूम के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे जो ये फर्स्ट रूम है आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन फॉल सीलिंग का वॉलपेपर का थ्री डी लगे हुए हैं पूरे घर के अंदर आप देख सकते हैं वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों ये देखिए ये स्लाइडर कब्बट जागी दोस्तों एल पैनल आप देख सकते हैं बड़ी सी बड़ी एल आपकी यहाँ पर लग जाती है ये स्लाइडिंग कब्डस दी हुई है नीचे शू रैक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है दोस्तों जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा काम हुआ हुआ है वही सेम काम ऊपर भी हुआ, हुआ हुआ है दोस्तों ये आपका फोर्थ बेडरूम आ गया दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग कम्प्लीटेड है एल पैनल लगा हुआ है बड़ी से बड़ी एलईडी आ जाती है थ्री वॉलपेपर है जो बहुत ही अच्छा लुक देता है रूम को आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट है पूरे घर में एक जैसे दरवाजे हैं दोस्तों ये वॉशरूम आ गया आपका आप देख सकते हैं वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर वॉल सीलिंग हुई हुई है चार बाई दो की टाइलिंग है टाइलिंग ग्लॉसी में जो बहुत ही अच्छा लुक दे रही है दोस्तों ये देखिए ये रूम आप दरवाज़ा देख सकते हैं एट फीट का स्टैंडर्ड डोर है वॉल टू वॉल कबर्ड्स लगी हुई हैं स्लाइडिंग नीचे शू रैक बनाए हुए हैं एलईडी बड़ी से बड़ी आ जाती है इसमें आप बहुत अच्छे शोपीस रख सकते हैं जो रूम को कुछ औसम ही लुक देगा दोस्तों डबल जाली के दरवाजे हैं पीछे का लुक आप देख सकते हैं जो पार्क की मैं बात कर रहा था जब ये पार्क बन जाएगा तो बहुत ही शानदार देखा दोस्तों लुक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो आप इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं रोज नई नई वीडियोस लेके आता रहूं नई नई अपडेट्स लेके आता रहूं माबिला ग्रैंड नोबल कलेस्ता एरो सिटी में आई टी सिटी में ये प्रोजेक्ट्स हैं लापर्शियन है एरोस्टा है एरो टाउन है हम पूरे मोहाली में काम करते हैं दोस्तों पैंतीस लाख से हमारे पास कोठियाँ शुरू हो जाती हैं ये ड्राइंग रूम आ गया आपका एंट्री किचन थर्ड बेडरूम फॉल सीलिंग वॉशरूम अटैच फोर्थ बेडरूम फॉल सीलिंग वॉशरूम अटैच इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों